पाकिस्तान का बाबर आजम अब वर्ल्ड का नंबर वन बैट्समैन नहीं रहेगा, क्योंकि उसको रिप्लेस करने के लिए हमारा इंडिया का जो तोप है शुभमन गिल वो आ रहा है। हमारे इंडिया का सबसे बढ़िया प्लेयर जिसको प्रिंस कहा जाता है, जिसको प्रिंस चार्मिंग कहा जाता है, वो अब पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे करने वाला है और जो आईसीसी की रैंकिंग है ओडीआई नंबर वन बैट्समैन का वो हट जाने वाला है। अब देखिए ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक एनालिसिस निकल के आया है और उसमें ये पता चला है कि जो बाबर आजम है वो अब तो मैच वर्ल्ड कप तक नहीं खेलने वाला है। तो उससे पहले जो शुभमन गिल है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 मैचेस का सीरीज खेलेगा, जिसमें अगर शुभमन गिल ने उस मैचेस में 200 रन मार दिए ना तो वो बाबर आजम को पीछे कर देगा। और ये जो न्यूज है ये काफी मतलब बढ़िया लग रहा है सुन के, इसलिए क्योंकि शुभमन गिल पे भरोसा है और वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 मैचेस में 200 रन कर देगा और वर्ल्ड कप से पहले ही यहाँ पे वो हो सकता है ओडीआई का नंबर वन बैट्समैन बन जाए। क्योंकि देखो बाबर आजम जो है वो एक फ्लॉप बैट्समैन रहा है हमेशा से, बस एक साल से कोई टीम ओडीआई मैचेस नहीं खेल रही थी, इसके वजह से बाबर आजम नंबर वन ओडीआई बैट्समैन बनकर था। लेकिन अब शुभमन गिल उसको रिप्लेस करने के लिए आएगा। शुभमन गिल ने जितना स्कोर एक साल में किया है बाबर आजम ने अपने करियर में उतना स्कोर एक साल में नहीं किया, तो यही कारण है कि शुभमन गिल अब बाबर आजम को पीछे करने वाला है। शुभमन गिल और बाबर आजम को यहाँ पे सीधा ऐसे बोले कि भैया टाटा बाय बाय, आप उतरिए कुर्सी से, अब हमको उस कुर्सी पे बैठने दीजिए क्योंकि उस कुर्सी के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अब हम है। मतलब आईसीसी में इंडियन टीम की डोमिनेशन अगर आप देखोगे, तो मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में बताया था कि इंडियन टीम का डोमिनेशन आईसीसी में बहुत ज्यादा है और ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये बात आप लोगों को माननी पड़ेगी। और ये इसलिए माननी पड़ेगी क्योंकि बाबर आजम और मतलब जो है वो पाकिस्तान टीम का नाम यहाँ पे 2 साल पहले से अच्छा करके रखा है, बट अभी करेंट सिनेरियो में इंडियन टीम यहाँ पे डोमिनेट कर रही है। और डोमिनेशन का जो रीजन है वो ये है कि इंडियन टीम भाई काम कंपोज होकर खेलना जानती है, वो हर एक मैच को ऐसे खेलना जानती है कि वो मैच इंडियन टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन टीम का सपोर्ट ही इतना जाता है ना प्लेयर्स को कि प्लेयर्स ऑटोमेटिक यहाँ पे रन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, प्लेयर्स ऑटोमेटिक यहाँ पे अच्छा खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो आईसीसी की रैंकिंग है वो किस हिसाब से डिसाइड की जाती है पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये आईसीसी की जो रैंकिंग है ना वो पॉइंट्स के हिसाब से डिसाइड की जाती है कि आपने कौन से मैचेस में कैसा खेला है। मतलब मान लो कि कोई फाइनल का मैच था जिसमें आपने बहुत अच्छा रन बनाया तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, और मान लो कि कोई नॉर्मल सा मैच है छोटी टीम के अगेंस्ट और उसमें भी अगर आपने ज्यादा रन बनाए तो उसमें कम पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि दोनों मैचेस का इंपॉर्टेंस देखा जाता है। अगर फाइनल का मैच है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें रन आपने बनाए, और नॉर्मल मैचेस से जैसे बायलेटरल सीरीज हो गया उसमें अगर रन मारे तो भाई वो पॉइंट्स इतना ज्यादा होता नहीं है। तो यही रीजन है कि यहाँ पे जो टीम इंडिया है वो इतना ज्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स नए मतलब अच्छे अच्छे मैचेस में अच्छा अच्छा परफॉर्म करके देते हैं। जैसे मान लो WTT का फाइनल हुआ उसमें अच्छा रन मारते हैं, अच्छे विकेट लेते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं, अच्छा बॉलिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें होता है। ODI का फाइनल हो तो उसमें अच्छा विकेट लेते हैं, उसमें अच्छा बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं। तो ये इंडियन टीम इसी वजह से जानी जाती है डोमिनेटिंग टीम, क्यों वो हर एक मैच से पुल ऑफ करके जीत भी सकती है। मतलब बड़ी बड़ी टीम जो है वर्ल्ड की वो इंडियन टीम से क्यों डरती है, वो इंडियन टीम से इसलिए डरती है क्योंकि इंडियन टीम कभी भी कहीं से भी मैच खींच के अपनी तरफ ले आ सकती है, और ये बात वर्ल्ड क्रिकेट को पता है। इसीलिए वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो टीम इंडिया से डरती है, वर्ल्ड के बड़े बड़े जो टीमें हैं वो टीम इंडिया से डरती है। तो अब बाबर आजम के लिए क्या रास्ता रहेगा, तो देखो बाबर आजम के लिए अब कुछ रास्ता नहीं है, उसको नॉर्मली अब खेलो भाई, कुछ दिन का करियर बचा हुआ है उसका, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा, उसकी कैप्टनशिप भी अब छिनने वाली है क्योंकि जो पाकिस्तान टीम है उसमें नया कैप्टन आने वाला है, या तो मोहम्मद रिजवान होगा या फिर साइंस अफरीदी होगा या फिर शादाब खान होगा, ये तीनों में से किसी एक को हो सकता है पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनाया जाए। क्योंकि बाबर आजम के ऊपर 4 साल बर्बाद करके 2019 के बाद बाबर आजम को कैप्टनशिप दिया गया, और उस कैप्टनशिप के बाद बाबर आजम ने कैप्टनशिप का लाभ नहीं उठाया और भाई अपनी अय्याशियों के चक्कर में जो बाबर आजम है कैप्टनशिप अब खोने वाली। तो बाबर आजम की कुर्सी तो छीनने ही वाली है ओडीआई नंबर वन की रैंकिंग से, उसकी कैप्टनशिप भी छीनेगी। मतलब बाबर आजम के लिए अगर आप कह सकते हो तो बहुत ही बुरा समय चल रहा है, और ये ठीक ही है भाई, मतलब बंदा जब ज्यादा हवे में आने लगे तो वो थोड़ा नीचे गिर जाता है। बाकी यहाँ पे देखिए शुभमन गिल 200 रन मार पाता है ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अगेंस्ट के नहीं, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन बाबर आजम की कुर्सी को यहाँ पे हिला के रख दिया शुभमन गिल।